जिस तरफ नजर घुमाइए सिर्फ बर्फ और बर्फ ही नजर आएगी। मौसम ऐसे मेहरबान हो रहा है कि हर चीज जैसे सफेद चादर से ढकती हो। ये नजारा है उत्तराखंड के काराताल और धनौल्टी का। बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ सर्दियों का लुफ्त उठाने पहुँच रहे हैं और मौसम भी उन्हें निराश नहीं कर रहा। काराताल और धनौल्टी में भारी बर्फबारी होने से यहाँ आने वाले लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। हालांकि ये बर्फबारी काफी देर से हुई, मगर हैवी स्नोफॉल के चलते अब लोग सर्दियों का लुफ्त उठा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पे स्पेशली स्नोफॉल के लिए आई थी, तो एक चांसेस 50-50 था स्नोफॉल का, बट हम लोग जैसे ही कल यहाँ पे पहुँचे हैं उसके बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। तो लाइक बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम लोग नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। जिस जगह पे आप अभी खड़े हैं, जिस जगह का नाम मसूरी रोड है, कोड़िया रेंज पे ये जगह पड़ती है। बाकी अभी स्नोफॉल का काफ़ी लेट चांस हुआ है, पूरा जनवरी निकल गया, लेकिन अभी हाल ही में फरवरी में 1 फरवरी लगा है, तो बर्फ़ का अभी स्टार्टिंग हो ही रहा है। तो इसके आगे अभी बर्फ़ का काफ़ी गिरती रहेगी, चारों तरफ आप जैसे देख सकते हैं। बाकी हमारे इधर कॉटेजेस हैं बिल्स ऑफ नेचर के नाम से, आप इधर आइए। और हम देहरादून से आए हैं यहाँ पे, तो जब हम आ रहे थे हमने प्रेडिक्शन देखा था कि अभी 1-2 दिन में बर्फ आने वाली है, तो हमने सोचा पहले ही 3-4 दिन की बुकिंग करा लेते हैं ताकि जब भी बर्फ पड़े रिग्रेट ना हो हमें वापस जाने का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे लाइव स्नोफॉल देख रही हूँ। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। मसूरी, धनौल्टी, औली आदि पर्यटक स्थलों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। अब उम्मीद है कि पर्वतीय इलाकों पर हुई इस भारी बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ेगा, जहां कपकपाती ठंड लौट आई है। बता दें कि धनौल्टी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, वहीं मसूरी में तड़के सुबह से ही बारिश हो रही है और ओले भी गिरे। अब उम्मीद है कि इस बर्फबारी से उत्तर भारत में ठंड कुछ और दिन के लिए ठहर जाएगी। जो बर्फबारी दिसंबर माह के अंतिम माह में पड़नी चाहिए थी, वो बर्फबारी पूरे एक महीने बाद ये फरवरी के 1 तारीख को पड़ी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पूरे जो है बर्फबारी जो हुई है लगातार, ये देर रात से लगातार पड़ी है और अभी भी बर्फबारी होने के आसार बने हुए हैं। इस वक्त ये जो काराताल जगह है, यहाँ पर पर्यटकों की आमद भी शुरू हो गई है और लगातार पर्यटकों की गाड़ियां भी इस ओर दौड़ने लगी है। और देखा जा सकता है कि जिस तरह से बर्फ को लेकर के, बर्फबारी के लिए पर्यटक मायूस नजर आ रहे थे पिछले बीते महीने से, लेकिन इस बार पर्यटकों की ये उम्मीद भी पूरी होने जा रही है, ये लगातार जो बर्फबारी हो रही है। काराताल से नवा टाइम्स ऑनलाइन के लिए रजनीश कुमार।